भूर। देवताओं के बहुत से स्थान दुष्टों ने नष्ट कर डाले। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावानलनेनाद्यं साधनं वसमंतागतं। योगी सिद्ध ज्ञानी कोई सत्क्रिय वाला पुरुष नहीं रहा। कल रूपी घोर दावागिन में सब साधन जल करके भस्म हो गए। अन्न के बेचने वाले तो जनपद के मनुष्य, वेद बेचने वाले ब्राह्मण और तन को बेचने वाली कुलटा स्त्रियां कलयुग में अनेक हो गईं। इस प्रकार कलयुग के अनेक दोष दुख देखता पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन में यमुना के निकट और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे। वह स्त्री उनकी शुश्रूषा करती थी और बारंबार समझाती थी और उनको आगे रो रो करके कहती थी और अपने देह की सहायता करने वाले को दसों दिशाओं में आंखें पसार पसार कर देखती। उस शोकाकुल बाला के निकट गया। वह मुझको देखती अचानक उठ बैठी हुई और व्याकुल होकर के मचिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्यम सर्वता अगहरम परम। महाराज, कई एक जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाए उसका पुण्य माने कहते हैं ढेर ढेर सारा पुण्य हो जाए तब कहीं संतों के दर्शन मिलते हैं मानो। और संतों का दर्शन सभी दुखों को नष्ट करने वाला है, सभी तापों को शांत करने वाला है। महाराज आप रह करके मेरे पास रह करके मेरे दुख का निवारण करें। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। बिना भाग्य के कुछ नहीं होता। श्रवणा तपने से ससे अपहरई शरद ऋतु में पूरे दिन भर की ताप को चंद्रमा शोषण कर लेता है। इसी प्रकार महाराज संत दर्श जिम पातक टरे। तुम्हारे दर्शनों से तो सभी पातक टर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज मैं आपसे बार बार आग्रह करती हूं, मेरे पास रुके, मेरे दुख दूर करें महाराज, मेरे ऊपर कृपा करें महाराज, जो मेरा दुख है उसका निवारण करें। नारद जी कहते हैं मैं उसके मधुर वचन सुन मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी अपने दुख का विस्तार सहित वर्णन करें। बाला बोली कि हे भक्त वत्सल्य मैं भक्ति हूं और मेरा नाम संसार में विख्यात है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। कुछ समय के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। ये कुछ समय का प्रभाव है।
कुसमय क्या है? अब झूठ बोल रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम किसी का अनादर कर रहे हैं। इसका प्रभाव ज्ञान वैराग्य भक्ति और इस धरती माता पर पड़ता है। संसार के सभी प्राणी अपने कर्तव्य को भूल करके अपने सिद्धांत को अपने संस्कारों को भूल करके कुमार्ग पर जाने से यही कुसमय है। झूठ बोलने का इतना बड़ा पाप होता है, झूठ बोलते ही अपने जितने पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पाप हो जाता है। झूठ बोल करके अपन पाप कमाते हैं, पाप करते हैं, और अपने पुण्य जितने हैं वैसे तो पुण्य करते नहीं। पुण्य करने की बात आई तो 10 बेर सोचेंगे, 100 बेर सोचेंगे, घर के ने पूछेंगे, परिवार के ने पूछेंगे, गांव वाले ने पूछेंगे, अगर किसी एक ने मना कर दिया तो नहीं करते। बुरे काम के लिए कोई किसी से नहीं पूछता, अन्याय के लिए, अधर्म के लिए, पाप के लिए कोई किसी से नहीं पूछता और कर देता है। अच्छे काम के लिए पूछने पूछते हैं और पूछ करके फिर नहीं करते। अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने कर्म को छोड़ दिया, अपनी शिक्षा संस्कृति को छोड़ दिया, अपने भगवान को छोड़ दिया, शिक्षा संस्कार को जो नष्ट कर देता उसमें लगा दिया। यही कुसमय है, इसी कुसमय के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य पर असर पड़ा। आज कोई संसार में ज्ञान की इच्छुक नहीं है, कोई वैराग्य का ग्राहक नहीं है, कोई भक्ति का ग्राहक नहीं है। जिस चीज का कोई ग्राहक नहीं है दुनिया में, बताओ वो चीज का क्या होगा? वो तो वैसे डरी रहेगी ना। घर में कोई चीज बगैर काम की हो फिर तो वो कबाड़ खाने में डरी रहेगी ना, उसकी कदर कहां है? इसलिए कहा महाराज, आज कुसमय के प्रभाव से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। ये दोनों मेरे पुत्र गणवती वेदिका छपरा वेदवती अनेकों जो नदियां हैं जो मेरे ओर चारों ओर बैठ करके मुझे सांत्वना देती है, चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, मन को समझाओ, भगवान से प्रार्थना करो, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा, भगवान सबकी सुनेगा। परंतु इनके समझाने से मेरा दुख दूर नहीं होता, इनकी सेवा से मेरा कल्याण नहीं होता। हे तपोधन, इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान करके एक बात सुनो, मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुन करके आप परमानंद प्राप्त होगा। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धे कर्नाटके गतः क्वचित्वा चिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतो गतः। महाराज, मेरा जन्म तो प्रथम द्रविड़ देश में हुआ था और कर्नाटक देश में मेरी युवावस्था हुई और कुछ काल पर्यंत दक्षिण में रह करके गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची, उसी देश में मैं बूढ़ी हो गई और महाघोर कलयुगी लोगों के पाखंडों से मेरा और मेरे पुत्रों का शरीर महा दुर्बल हो गया। फिर के वृंदावन में भगवान की जो लीला के कण हैं, गोपियों की भक्ति है, वह भगवान की चरण रज है। यहाँ आने से तो मैं वैसे हष्ट पुष्ट हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी अचित अवस्था में पड़े। ये बहुत बड़े दुखी हैं। माता जवान हो, पुत्र बूढ़े हो,
तो ये अच्छा नहीं रहता, अनुचित रहता है। मेरी इस व्यवस्था को आप देखें, हम तीनों एक साथ एक जैसे रहें तो अच्छा है। विपरीतता कैसे हुई, माता वृद्धा पुत्र तरुणा, ये सब समय के प्रभाव से हुआ ऐसा उन्होंने देखा। इस कारण बड़े आश्चर्य पूर्वक अपने महात्मा को सोचती हूँ, अतः हे योगी महात्मन आप कहिए, इसी सावधान होकर के सुन, इस समय महाघोर कलयुग बरत रहा है, इसलिए सदाचार योग मार्ग सत्य तप लुप्त हो गया है और मनुष्यों का पाप करने से असुरों का स्वभाव हो गया। इस कलकाल में सज्जन अत्यंत दुख पा रहे हैं, कपटी कुचाली प्रसन्न रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष धैर्य धारण करते हैं वे ही धीर और पंडित हैं। यह शेष जी को भार करने वाली पृथ्वी अब छूने और देखने के अयोग्य हो गई है और प्रति वर्ष क्रम से ऐसी ही होती जाती है। पाप धीरे धीरे सब बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। अब कहीं शुभ कर्म देखने में नहीं आता, अच्छा काम देखने में नहीं आता। अब तुझको भी इस समय पुत्र सहित कोई नहीं देख सकता। पुत्र दारा धनादि के अनुराग में अंधे हो रहे हैं, इसलिए तेरा आदर सम्मान कोई नहीं करता और इसी कारण तेरा शरीर दुर्बल हो गया है। वृंदावन में आने से विराजमान है, भक्ति को समझा जा और कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को सही करूंगा। और नारद जी ने उनको सांत्वना दी, कहा भक्ति कहती है कि महाराज जब कलयुग ऐसा ही था तो इसे आने क्यों दिया। कलयुग इतना खराब है तो महाराज परीक्षित ने इसको आने क्यों दिया। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, संसार में पूरा कोई खराब नहीं होता, जिसमें अवगुण ज्यादा हैं तो किसी में एक गुण भी तो होता है। कलयुग में केवल अवगुण ही अवगुण नहीं है कलयुग। नारद जी कहते हैं हे भक्ति, कलयुग में ऐसा एक गुण है जिस समय केवल एक ही सार भक्ति ही साधक है, ज्ञान वैराग्य है, अनेकों युगन में तपस्या सब कलयुग में केवल भगवान का नाम का कीर्तन करने से वो फल प्राप्त होता हो जाता है। जो अनेकों वर्ष तपस्या समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल भगवान का गुणगान करने से कीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा था भक्ति माँ से कि भक्ति माँ आप चिंता न कर, इस वृंदावन का प्रभाव क्या है। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ जा रहा।
Thank you.
ज्ञान वैराग्य को दोनों को जगाऊंगा। नारद जी ने वहां ज्ञान वैराग्य के कानों के पास आकर के इस श्लोक बोले। श्री सूत महाराज कहते हैं कि नारद जी ने उनके कानों में आकर के वेदों के श्लोक कहे, मंत्र कहे। तस्यां वचे समाकर्ण्यं कारुण्यं नारदो गतः तयोरबोधनामैरेव कराग्रेण विमर्दयन्। मुखम संयोच, और दोनों का कष्ट क्षण मात्र में दूर हो जाएगा और भक्ति को भी अधिक सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत उच्चार मात्र से कलकाल के सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे जैसे सिंह के शब्द से भेड़िये श्रृंगाल बन छोड़ करके भाग जाते। नारद जी ने कहा, प्रभु जैसे भागवत में भी श्लोक हैं और जब वेद सबसे बड़ा है, जब वेदों के श्लोक सुनाए तब उनका कुछ नहीं हुआ तो भागवत के श्लोकों से क्या होगा। शनकादिकों ने कहा, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा आत्योक्तमाततो भाते कृतज्ञ भूता फलोन्नति। देवर्षि, आम का वृक्ष देखा है? हाँ, आम के वृक्ष में, पेड़ में, पत्तियों में, फूल में कहीं मिठास होती है नहीं? और जब आम का फल लगता है और वो पक जाता है तब वो कितना मीठा होता है? बहुत ज्यादा मीठा होता है। यो फल वृक्ष से निकला, वृक्ष से उत्पत्ति हुई, परंतु वृक्ष में मिठास नहीं, यो फल में मिठास। गन्ने में जो रस रहता है इतनी मिठास गन्ने में नहीं होती जितनी उसके रस और रस को पकने पर राव, गुड़ और शक्कर बनती है और फिर उसमें से मिश्री बनती है, फिर कितनी मिठास बढ़ जाती है। नारद जी ने कहा, वो तो है, मिठाई कभी गन्ने के रस से नहीं बनती, उसे पक्का करके गुड़ चीनी मिश्री बनाया जाता है, तब अधिक मीठी होती है। दूध के अंदर घी छुपा रहता है, हाँ, अगर दूध में तुम पूरी सेको चाय, पुआ सेको चाय तो हो सकते हैं, क्योंकि घी तो वहां में हतो है ना। दूध खाने से घी का स्वाद नहीं आता, दूध से दीपक नहीं जलता, उसी दूध का मंथन जमा करके, ओटा करके, दही बना करके उसका मंथन किया जाए, उसमें से घी अलग निकाल दिया जाए और फिर उस घी में सभी मिष्ठान बने, घी का स्वाद आए, घी से दीपक जले। वेद से जो निकला हुआ श्रीमद् भागवत, वेद एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष से उसका फल है भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है और उस कल्प वृक्ष के फल को तोड़ करके लाया कौन? श्री सुखदेव जी महाराज उस फल को लेकर के आए। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत रूपी फल को अपने मुख से धरती पे आकर के लाए और वर्णन किया, श्री परीक्षित महाराज को सुनाया।
जिस फल में तोते की चोंच लग जाए ना, वो फल और मीठा हो जाता है। चाहे जे समझो कि मीठे ही फल को तोता चोंच लगाता है, वैसे को नहीं लगाता। इसमें सुख सुखदेव तोता है, उन्होंने इस अपनी चोंच से अपने मुख से इसका वर्णन किया तो श्रीमद् भागवत और मीठा हो गया। श्रीमद् भागवत में इतना मातम्य है जैसे वृक्ष में रस नहीं रहता, फल में रस रहता है। आम के फल में तो केवल छिलका भी रहता है और गुठली भी रहती है, और श्रीमद् भागवत का फल तो एक ऐसा है कि इसमें न तो छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस भरा है। और ये कानों के द्वारा इसका रसा रसपान किया जाता है, कानों के द्वारा श्रवण किया जाता है, सुना अंदर ग्रहण किया जाता है। शनकादिकों ने कहा देवर्षि आज ये कहां प्रोग्राम होना चाहिए। संत कुमार बोले हे नारद जी, सरो नारद वच्याम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नामक एक तट है, बहुत अच्छी जगह है। भागवत में शनकादिक कह रहे हैं कि इसके लिए ये अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने जगह को निश्चित किया, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में जाकर के आनंद नाम का तट है, बहुत अच्छी रमणीक जगह है, वहां इस कथा का आप आयोजन करें, संसार में सभी को बुलाएं और वहां सबको सुनवाएं। नारद जी ने संसार में सबको सूचना दी और सबने सुना कि हरिद्वार में गंगा के तट शनकादिक वहां कथा सुनाने आ रहे हैं। तो संसार में सभी कथा सुनने के लिए वहां अनायास सब जाने लगे। कथा को वहां आरंभ करते हैं, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आते हैं और सभी ऋषि मुनि कहते हैं अरे ये ऋषियों के बीच में ये स्त्री क्यों आई। शनकादिकों ने कहा ये कथा उन्हीं के वास्ते है और कथा में तो सभी का समान अधिकार है, सभी आ सकते हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा अभिराशीतः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के भगवान के गुण गाते हुए उस सभा में आकर के प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण।
वृंदावन बिहारी लाल के। यह भगवान हमारे वैराग्य तमारे तपस्या भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या समय चारों फल बराबर है, इसलिए ये भागवत सर्वोपरि है। किसी में ज्ञान की अधिकता है तो किसी में वैराग्य की, किसी में तपस्या की तो किसी में भक्ति की, समान चारों बराबर किसी में नहीं है। भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या सब बराबर है। उन्होंने कहा कि भक्ति का तो ऐसा मातम है कि कैसे भी पापी हो उनका भी उद्धार हो जाता। तब सौनक ने कहा, महाराज क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि कोई पापी को उद्धार हुआ ही नहीं होता इस भागवत से, तो सुनाते ही क्यों? सौनक ने कहा, महाराज सुनाने की कृपा करें, किसका हुआ था, कौन था वो? तुम भद्राते पूर्वं भूत भक्तनवत भक्त मम यत्र वर्णा सुधर्मेण सात सत करम तत्परा। कहा, यहां हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम नगर था जिसमें चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का जानने वाला आत्म देव नाम का एक ब्राह्मण स्वराज स्मार्ट करों में परांगत दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर भी धनवान था और उसकी स्त्री का नाम धुंधली महासुंदरी सतगोल उत्पलना, सदा अपने वचन की टेक रखने वाली थी, लोग की बातों में प्रीति करने वाली, क्रूरा बहुत बोलने वाली, बलवती, घर के कार्यों में कृपण कलेश करनी थी। अच्छा नहीं रहता कलेश घर में बात बात पर करें, अच्छा नहीं रहता। अपना स्वभाव, अपना नियम, अपनी बाणी पर संयम, ज्यादा बोलना, हंसना, कृपणता करना, बात बात पर लड़ना झगड़ना, नेक नेक पर रूठना और घर वालों से अपना मन का काम करवाना, ये अच्छा व्यवहार नहीं। घर में माता बहनें तो अपने काम के लिए तो रुष्ट हो जाते हैं, हट पूर्वक अपना कार्य करवाते हैं, ये अच्छा नहीं है, कृपणता है। घर वाले जैसे रखे रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, सबको हिल मिल के रहना चाहिए, नहीं तो ये धुंधली की श्रेणी में आ जाते हैं। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का जानने वाला, और उसकी स्त्री कैसी है, जैसे मानो यह हमारी आत्मा, आत्मा को सभी वेदों शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान है। कहा गया, ईश्वर यश मनम विज्ञातम सर्वमिदम विज्ञातम भवती, जिसको आत्म का ज्ञान हो गया उसे संसार का सब कुछ का ज्ञान हो गया, फिर कुछ जानने के लिए नहीं रहता।
आत्मा सभी वेद शास्त्र पुराणों का जानने वाला है, परंतु हमारी जो बुद्धि है ना वो कैसी है गई है, विषयों में धुंधली। हमारी जो इच्छा है, हमारी बुद्धि है जिसके कहे के अनुसार हम चलते हैं, वो कैसी है, धुंधली, अज्ञान में, अंधकार में। बस यही पत्नी है धुंधली, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता वो धुंधली है। और लोक की बातों में प्रीति करने वाली क्रूरा, बहुत बोलने वाली, कृपण कलेश कारणी, इस प्रकार दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते थे। आहार व्यार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। जैसा किसी ने बताया वैसे उपाय किए, तब दोनों ने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेक उपाय किए। दोनों ने गौ ब्राह्मणों को भूमि सुवर्ण दे दे करके धर्म करना प्रारंभ किया, जबकि उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया, और इतने पर भी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। तब ब्राह्मण को अत्यंत चिंता हुई। तब वो ब्राह्मण घर से निकला और वन को चला गया, जंगल में चला गया, चिंता में कि मेरे कोई संतान नहीं हुई, क्या करूं। जंगल में धूप में गया, दोपहर हुआ, प्यास के मारे व्याकुल हुआ, एक सरोवर के निकट पहुंचा और जल पी करके संतान के दुख से दुखी होकर के हुआ वहीं बैठ गया। तो वहां सन्यासी आया, जब वो महापुरुष जल पी चुका तब वह ब्राह्मण उसके समीप जाकर के दंडवत कर उसके चरणारविंदों की वंदना की और लंबी लंबी श्वास लेने लगा। वो ब्राह्मण, अब सोचो तो चारों वेद, चारों शास्त्र, अठारों पुराणों का जानने वाला वो एक पुत्र के बिना कितना दुखी है। जंगल में गया, घर से निकल गया, और इतना विद्वान होते हुए भी और उस महात्मा के चरण छुए, वंदना की, प्रार्थना की, और लम्बे विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसि बदय त्वं सत्वरं वयम् स्वास्य दुखस्य कारणम्। यति बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है, किस लिए अकेला वन में विचरता फिरता है, तू शीघ्र अपने दुख का कारण कह, क्या बात है, क्यों इस धूप में अकेला जंगल में भटक रहा है। तब ब्राह्मण बोला कि हे दीनदयालु, हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों के संचित दुख को आपसे क्या कहूं, मैं अपने पापों को आपसे क्या कहूं महाराज, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल को गरम गरम श्वास भर करके पीते हैं, आगे कोई संतान इसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा, पिंडदान जल तर्पण करते हैं, इसके संतान ही नहीं रहेगी तो कौन करेगा, कौन पिंडदान करेगा,
कौन जल अर्पण करेगा, कौन श्राद्ध करेगा। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त हो प्राण त्याग करने के लिए यहाँ आया हूं। महाराज मैं मरने के लिए आया हूं। महाराज संतान के बिना संसार में जीने वाले को धिक्कार है, बिना संतान के घर को धिक्कार है, पुत्रहीन के धन को धिक्कार है, अपुत्र के कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु साबन्या सर्वता भवेत यो मया रोपितो व्रच सोऽपि वन्द्यतु माश्रयेत। हे महाराज मैं ऐसा भाग्यहीन हूं कि मैं जो गाय भी पालता हूं ना वो भी बंध्या रह जाती है, गाय भी नहीं ब्याती है, और मैं जो वृक्ष लगाता हूं ना तो वो भी नहीं फल देता। अगर कोई फल कहीं से मैं घर में लाता हूं ना तो वो मेरे भाग्य से सूख जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते। तो मुझ मंद भागी पुत्रहीन का जीना जगत में निर्थक है। ऐसे शोक संताप भरे वचन कहकर के वो ब्राह्मण उस सन्यासी के समीप बैठ करके रोने लगा। हे परमात्मा क्या करूं, वो बिलाप करने लगा। संगत में सत्संग करो, संतन के संग लागे रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।
सेवा करते जाएं और भगवान का कीर्तन करते जाएं और कहेंगे और
को हंस बनावे, काते को हंस बनावे, जन्म जन्म के पाप मिटावे, जन्म जन्म के पाप मिटावे, छूट जाए भाबा जागरे, तेरी अच्छी बने गई, छूट जाए के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, कैसा भी कोई पापी हो कागा से तो को हंस बनावे, और जन्म जन्म के पाप मिटावे, छूट जाए धब्बा दागरे, हंसन की गति हंस ही जाने, और ज्ञान रतन को वही पहचाने, पाए सके तो पाए रे, सोबत सोबत बहुदन बीते,
और ज्ञान रतन बिन रह गए रीते जाग।